वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं शाहिद इमरान। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बल्ब के अंदर एक्वेरियम बनाया जाता है, एक्वेरियम बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको किस तरह से एक खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और यहाँ से मैंने इसकी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी पे रहते हुए हम एक इसको पूरा डिज़ाइन करेंगे। लेस्को टूल की मदद से हम इसकी जितना भी ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा वायर का, और इस वायर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। लेस्को टूल ये आपको दिख रहा होगा, लेस्को टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये कॉन्टैक्ट्स एरिया है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्टैक्ट्स एरिया को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करें और मुकम्मल रिमूव मत करें, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। और यहाँ से हम जाएंगे एडिट में, और एडिट में यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि फील, शिफ्ट F5 इसकी शॉर्ट की है, और ये कॉन्टैक्ट्स एरिया है, इसको आप देख रहे हैं, यहाँ से नॉर्मल रखें और 100% कैपेसिटी हो और ओके। ओके करने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट्स एरिया है ये रिमूव हो गया है। इसके बाद हम दोबारा से जो दूसरी वायर का हिस्सा है इसको हम रिमूव करेंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। दोबारा से हम शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे, ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये कॉन्टैक्ट्स एरिया डिलीट हो गया है, और जहाँ जहाँ भी आपको ये नज़र आ रही है वायर, इसको आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। शिफ्ट F5, ओके। और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, शिफ्ट F5, ओके। लेस्को टूल के जरिए हम डिलीट नहीं करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम आल्ट का बटन दबा के किसी भी एरिया को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप इसको रिमूव करें। जस्ट आपने पेंट की शक्ल में जिस तरह पेंट करते हैं इसको, जस्ट आपने इसको ऐसे पेंट करना है, ये देखें। और अब ये रेडी हो गया है, और इसके बाद हम इसका एक बल्ब का शेडो बनाएंगे यहाँ पर ताकि खूबसूरत लगे। एलिप्टिकल मार्क यू, इस टूल पे क्लिक करें और जितना भी आपको एरिया चाहिए उस एरिया को सिलेक्ट करें। ये हो गया एरिया सिलेक्ट, और इसके बाद हम एक न्यू लेयर बना लेंगे। इस न्यू लेयर के ऊपर रहते हुए यहाँ से हम ब्लैक शीट सिलेक्ट करेंगे और Alt Backspace की मदद से हम इस एरिया को ब्लैक कर देंगे। Control D की मदद से हम इसको करते हैं डिसलेक्ट। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फिल्टर, और फिल्टर के बाद हम जाएंगे ब्लर में, ब्लर के बाद गॉशियन ब्लर, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी इसकी पिक्सल वैल्यू, और आई थिंक 4 से 5 के दरमियान इसको रखें। जी, और ओके। और ये हमारा एरिया सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैपेसिटी कम कर देते हैं, 45, 6, जहाँ पे आपको लगता है कि एक शेडो होना चाहिए उतने पे, उस जगह पे आप इसको सिलेक्ट कर लें।
सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी की मदद से आप इसको सेट कर लें। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, या जहाँ पे आपको लगता है कि ये शेडो बनना चाहिए वहाँ तक आप इसको बना लें। ये शेडो हमारा हो गया है कंप्लीट, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम ओपन करते हैं और यहाँ से हम उठाते हैं कोई वाटर पिक, और वाटर पिक करने आ गई है हमारे सामने। कंट्रोल जे की मदद से हम इसके कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद कंट्रोल टी से इसको छोटा कर लेते हैं, इस पिक के साइज़ को। इसको ड्रैग करके हम बल्ब वाले एरिया में ले आते हैं और यहाँ से एक मोर कॉपी बना लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं ब्रश टूल को, जो आपको नज़र आ रहा होगा वाटर वाला एरिया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और कोशिश कीजिएगा बड़ी खूबसूरती के साथ इसको करें, क्योंकि यही एक मेन चीज़ है। और यहाँ से आप इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख लें कि बल्ब वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है या नहीं। यहाँ से इसको स्टेप बाय स्टेप इसको रिमूव करें। कंट्रोल यू की मदद से अब आप इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें, थोड़ा सा कलर को आप जो बेहतर लगे आपको कलर, उस कलर की आप सेटिंग कर लें ताकि ओरिजिनल लगे कि पानी है। और इसके बाद ये चीज़ यहाँ तक रेडी हो गया जल्दी जल्दी में। इसके बाद हम ओपन करते हैं और जहाँ पर हमारी फिश रखी है हम वहाँ से उस पिक को पिक करते हैं। ये पिक्स आ गई हैं, इसको हमने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पर ले आए। इसके बाद कंट्रोल टी की मदद से इसको थोड़ा छोटा कर लें और जहाँ पर आपको बेहतर लगता है आप इस जगह पे इसको सेट कर दें। और इसकी कैपेसिटी देख लें, इसकी कैपेसिटी जहाँ पर आपको इजी लगता है 75, 60, 50, वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लें। कंट्रोल टी की मदद से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, और कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ कलर की सेटिंग है, दोबारा से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। और जहाँ पर आपको लगता है कि इसकी सेटिंग बेहतर हो जाएगी वहाँ पर इसको ओके करते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें बर्न टूल, और बर्न टूल की मदद से आप थोड़ा बहुत इसकी सेटिंग कर लें। मैं इसको थोड़ा से एरिया को डार्क करना चाह रहा हूँ। और यहाँ तक हमारा हो गया है रेडी, और इसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल्ट ई से इसकी आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ब्रश टूल को आप यहां से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसको आप यहां से रिमूव कर दें। ये देखें, यहां से आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह मैं रिमूव कर रहा हूं, ये ब्लैक शेड बनता जा रहा है। बल्ब के अलावा आप तमाम बैकग्राउंड को रिमूव कर दें।
देखते हुए अब आप यहाँ पर करें राइट क्लिक, यहाँ पर करें फ्री ट्रांसफॉर्म और इसके बाद दोबारा फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फ्लिप वर्टिकल और यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट बन गई है। कंट्रोल टी की मदद से आप इसको अप एंड डाउन करें और जहाँ पे आपको लगता है कि ये एडजस्ट हो जाएगा इसको वहाँ पर आप एडजस्ट कर लें। जहाँ पे आपको लगता है कि ये शेडो बन सकता है वहाँ पे आप इसको स्टॉप करते हैं और ये हमारा हो गया है रेडी। और इसके बाद आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस ई की मदद से इस इमेज की कॉपी बना लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।